हिमाचल दे विच की सरकार सुखू की सरकार का तख्तापलट होएगा कि कांग्रेस नवा चेहरा लैके आएगी शाम तक क्लीयर हो जाएगा। फिलहाल पहला खबर आ रही थी कि हिमाचल के मुख्यमंत्री सुखविंदर सुखू ने अपना अस्तीफा दे दिता है, पर हुण उन्होंने ये मनिया है कि मैं अपना अस्तीफा नहीं दिता है और हिमाचल के मुख्यमंत्री ने कहा है कि मेरा अस्तीफा नहीं गया, मैं किसी भी ऑब्जर्वर को अपना अस्तीफा नहीं भेजा। तो हिमाचल की कांग्रेस की सरकार अगले 5 साल तक इवें ही कामकाज करेगी, असी हिमाचल के लोगों के लिए इवें ही सेवा करते रहेंगे। फिलहाल पहला खबर सी कि हिमाचल के मुख्यमंत्री सुखविंदर सुखू ने जिहड़ा अपना अस्तीफा है वह कांग्रेस के ऑब्जर्वर डीके शिव कुमार ते भुपेंद्र हुड्डा नूं भेज दिता है। तो इस तो बाद हुण उन्होंने स्पष्ट किया है कि मैं अपना अपने अहुदे तो अस्तीफा नहीं दिता, कांग्रेस की सरकार अगले 5 साल चलेगी। सुखू ने यह भी कहा कि वह हर चुनौती का सामना करने के लिए तैयार ने, भाजपा के कई विधायक मेरे संपर्क के विच है, पर इत्थे जो वड्डी गल कह दी है कि मेरे संपर्क के विच कई विधायक है, यानी कि सुखविंदर सुखू अपनी कुर्सी बचाने के लिए लगातार जिहड़े है हाथ पैर मार रहे हैं, क्योंकि बीते दिन जो राज्यसभा दी चोणां हुई उस दे विच जो समीकरण देखने को मिलिया उस समीकरण ने हिमाचल सरकार की सत्ता बदलन दे लई एक नवा समीकरण तैयार कर दिता है, क्योंकि राज्यसभा दी चोणां हुंदियां ते हिमाचल दे विच 9 विधायकों ने क्रॉस वोटिंग कर दित्ती, बीजेपी दे खाते दे विच वोटां पा दित्तियां, बीजेपी दे उम्मीदवारां दे हक दे विच वोटां पा दित्तियां। इस दे विच 9 दे विचों 3 सी आजाद ते 6 ने कांग्रेस दे विधायक, ते नाल दी नाल इह संकट होर उदों वध जांदा है जदों लोक निर्माण विभाग दे मंत्री ते नाल दी नाल विपिंदर वीरभद्र दे साबका मुख्यमंत्री जो हिमाचल दे रह चुके ने वीरभद्र दे पुत्र विक्रमादित्य ये अपना जो अस्तीफा दे दिंदे ने, तो अस्तीफे तो बाद इन्हां ने एलीगेशन जिहड़े है वह मुख्यमंत्री सुखविंदर सुखू ते लगाए है कि ये ना तो साडी सुणदे है ते ना ही साडे कोई जिहड़ी है सरकार दे विच पुछगिछ है, ते नाल दी नाल इन्हां ने सुखविंदर सुखू की कारगुजारी ते सवाल भी खड़े किए ने। तो हुण इस समीकरण पूरा जो बनया होया है हिमाचल दे विच कांग्रेस हाईकमान इस दे उपर नज़र रख रही है, ते ऑब्जर्वर भुपेंद्र हुड्डा डीके शिव कुमार नूं हिमाचल शिमला लई रवाना कर दिता है, ते नाल दी नाल कांग्रेस दे बुलारे हिमाचल दे जिहड़े हैगे ने जय राम रमेश, इन्हां ने कहा है कि मेरी कांग्रेस प्रधान मल्लिका अर्जुन खड़गे दे नाल गलबात होई है, साडे ऑब्जर्वर जिहड़े है सारे विधायकों दे नाल गलबात कर रहे ने, गलबात करनगे, जिस तों बाद विधायकों की राय ली जाएगी, ते विधायकों की राय तो बाद रिपोर्ट हाईकमान नूं सौंपी जाएगी कि मुख्यमंत्री सुखविंदर सुखू बन सकते हैं रह सकते हैं या फिर कोई होर नवा चेहरा लेके आना पवेगा। फिलहाल 7 विधायक जिन्हां दे विच एक मंत्री है विक्रमादित्य है ये सुखविंदर सुखू दे एंटी चल रहे हैं, इन्हां दी कारगुजारी ते सवाल खड़े कर रहे हैं। फिलहाल वड्डी खबर यही है कि सुखविंदर सुखू ने हाले तक अपना अस्तीफा नहीं दिता, उन्होंने कहा है कि मैं 5 साल यानी कि कांग्रेस की सरकार हिमाचल दे विच 5 साल बनी रहेगी, ते नाल दी नाल ये भी है कि मेरे यानी कि सुखविंदर सुखू ने कहा है कि मेरे हक के विच मेरे संपर्क के विच भाजपा के भी 5 विधायक हैगे है जां 5 तो वध हो सकते ने। सबसे पहले तो मैं ये स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि कुछ मीडिया हाउस में ये खबर चल रही है कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस्तीफा दे दिया है। मैंने कोई इस्तीफा नहीं दिया, मैं एक योद्धा हूँ, आम परिवार से निकला हुआ योद्धा, लड़ाई में संघर्ष करता है और जीत संघर्ष की होती है। तो ये बात मैं आज स्पष्ट तौर से करना चाहता हूँ। जो ये प्रोपोगंडा कर रहे हैं कि ये जो बजट है, बजट सेशन में जो विधायकों को बरगलाने की बात कर रहे हैं, वो इस बात का ध्यान रखे, हम बजट में अपनी मेजोरिटी को साबित करेंगे और जब हमारी मेजोरिटी साबित होगी निश्चित रूप पर भारतीय जनता पार्टी ये जानती है कि जो विधायक थे वो उसमें से कुछ विधायक हमारे संपर्क में हैं और जो राजनीतिक लाभ ना उठाने के लिए कुछ लोग हैं वो राजनीतिक लाभ भी नहीं उठा पाएंगे। ये मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूँ, कांग्रेस पार्टी की सरकार 5 साल चलेगी, आम आदमी की सरकार है, कर्मचारी की सरकार है और महिलाओं के सम्मान की सरकार है। भारतीय जनता पार्टी जिस प्रकार का बर्ताव इस सदन में कर रही है वो उचित नहीं है और मैं आपको ये आश्वासन देना चाहता हूँ हमारी सरकार पूरे 5 साल चलेगी। कोई राज्यसभा के बोर्ड के बाद जो हमारी अभी स्थितियां हैं वहाँ हमारी मेजोरिटी है और ये भी ना सोचे कुछ उनके साथ के विधायक भी हमारे संपर्क में हैं। निश्चित तौर पर मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी जो ड्रामा करना चाह रही है कर रही है
और उस ड्रामे को वो अच्छा निभा रही है और अच्छे कलाकार हैं। बहुत बहुत सर सर इस्तीफे की कौन फैला रहा है इस्तीफे की? ये मुझे समझ नहीं आया, मेरे को तो अभी फोन आया क्योंकि मैं तो विधानसभा की कार्यवाही बैठा हुआ था ऊपर स्पीकर के कमरे में, और डेढ़ दो महीने से ये डेढ़ दो घंटे से ये न्यूज चल रही की मुख्यमंत्री जी ने इस्तीफा दे दिया। वो भी जब विपक्ष के नेता ने मेरे पास वहां जो हमारे विधायक थे कांग्रेस के विधायक बैठे हुए थे उनके पास आके कहा पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी ने कि मुख्यमंत्री ने इस्तीफा दे दिया, तब मैंने स्पष्टीकरण देना शुरू किया कि मैंने कहा हम योद्धा है, युद्ध की तरह लड़ाई लड़ते हैं और ये लड़ाई युद्ध की तरह लड़ रहे हैं, हर चुनौती का सामना करते हैं यार, हम जीतेंगे निश्चित तौर पर। मैंने कोई इस्तीफा नहीं दिया है, कांग्रेस पार्टी की सरकार 5 साल चलेगी। धन्यवाद।